नमस्कार आदाब, मैं हूं डॉक्टर सीमा राज, डायरेक्टर एंड फाउंडर विजियो आई क्लिनिक एंड विजियो फाउंडेशन। तो आज हम बात करेंगे एम्ब्लायोपिया या फिर लेजी आई के बारे में। एक्चुअली एम्ब्लायोपिया होता क्या है? व्हेन द नर्व पाथवे बिटवीन द आई एंड ब्रेन इज नॉट स्टिमुलेटेड प्रॉपरली देन अ कंडीशन अराइजेज विच इज नोन एज एम्ब्लायोपिया। अरे घबराइए नहीं, समझाती हूँ। ये देखिए, मैं पेन से एक डायग्राम बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी आंख होती है आई, ये हमारी नस होती है ऑप्टिक नर्व, और ये होता है ब्रेन। जब हमारी ऑप्टिक आंख और ब्रेन के बीच में नर्व का स्टिमुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है तो विजुअल पाथवे सिस्टम ठीक से नहीं बन पाता है। तो इसी विजुअल पाथवे सिस्टम के वीक होने से या अच्छे से ना बनने से जो प्रॉब्लम अराइज होती है उसको हम एम्ब्लायोपिया बोलते हैं या लेजी आई बोलते हैं। एम्ब्लायोपिया तीन तरह से हो सकता है, रिफ्रैक्टिव और एनिसोमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया। अगर दोनों आँखों के बीच में 3 डायप्टर से अधिक का डिफरेंस होता है तो हमारा ब्रेन जो है वो अच्छी आई से देखना ही पसंद करता है, और जिसमें वर्स विजन होता है उस विजन को वो और ज़्यादा वर्स बनाता जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करती हूँ, पेशेंट को पैचिंग की सलाह देती हूँ। जो अच्छी आई है उसमें पैचिंग करी जाती है। पैचिंग पेशेंट की एज और टाइम के हिसाब से करी जाती है। एक्चुअली ये हमारा एक प्रयास होता है पीछे की नस और आँख के बीच में एक अच्छा संबंध बनाने का, ताकि ब्रेन तक सिग्नल पहुँचे और वो वर्स आई को स्टिमुलेट करे देखने के लिए, उसको प्रोत्साहित करे। जब तक ब्रेन को वर्स आई के लिए सिग्नल नहीं मिलेंगे तब तक वो देखने में भी असमर्थ होगी। दूसरा होता है स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि मिस अलाइंड आई, उसके कारण होने वाला एम्ब्लायोपिया। या तो आँख अंदर की तरफ घूमी होती है जिसको इजो बोलते हैं, या बाहर की तरफ घूमी होती है जिसको एक्जो बोलते हैं। हर स्ट्रैबिस्मस में एम्ब्लायोपिया नहीं होता है, लेकिन कभी कभी स्ट्रैबिस्मिक आई में या भेंगेपन में एम्ब्लायोपिया हो सकता है। जब एम्ब्लायोपिया होता है तो ऑपरेशन से पहले मैं हमेशा अपने पेशेंट की पैचिंग कराती हूँ। पैचिंग कराने का मेन मकसद यही होता है कि आँख और ब्रेन के बीच में जितना अच्छा संबंध स्थापित हो सके उतनी अच्छी विजन गेन होगी। एक बार विजन गेन होने के बाद पेशेंट की सर्जरी आँख को सीधा करने के लिए की जा सकती है। तीसरा होता है डिप्राइवेशनल एम्ब्लायोपिया, जो कि कैटरेक्ट या ड्रूपिंग के कारण या टोसिस के कारण हो सकता है। टोसिस क्या होता है कि ऊपर की पलक जो है विजुअल एक्सिस में या पाथवे में इस तरह से आती है और आपकी पलक को, आपकी आँख को पूरा का पूरा ढक लेती है। अगर किस बच्चे को सिर्फ एक आँख में कैटरेक्ट है तो एम्ब्लायोपिया ज़्यादा सीरियस होता है, क्योंकि अच्छी आँख से अच्छे सिग्नल जाते रहते हैं और ब्रेन अच्छी आँख को स्टिमुलेट करता रहता है, अच्छी आँख से देखता रहता है, और जो धुंधली आँख है उसको जो वर्स करता रहता है, तो एक विशेष साइकिल एस्टेब्लिश हो जाती है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब दोनों ही आँखों में कैटरेक्ट होता है तो देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन बिटवीन द टू आईज एंड ब्लरी सिग्नल्स आर बीइंग सेंट टू द ब्रेन, और उसी तरह के सिग्नल दोनों आँखों को एक जैसे मिलते हैं और ब्रेन को ब्लर ही दिखता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट रेजिम जो है वो केवल पैचिंग ही है। 0 से 13 साल का जो पीरियड होता है उसको क्रिटिकल पीरियड ऑफ विजन डेवलपमेंट कहा जाता है। 2 से 6 घंटे हर दिन तक पैचिंग करी जाती है, जो कि सफिशेंट होती है। इससे ज़्यादा अगर पैचिंग करी जाए तो रिवर्स एम्ब्लायोपिया हो सकता है। रिवर्स एम्ब्लायोपिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अच्छे आँख की विजन खराब होना शुरू हो सकती है। एम्ब्लायोपिया के मैं अपने एक पेशेंट के बारे में बताना चाहूँगी। 5 साल का एक छोटा सा बच्चा, मैंने उसका ट्रीटमेंट पिछले साल शुरू किया था जब वो मात्र 4 साल का था। पेशेंट का नाम है कबीर, और मुझसे ज़्यादा बच्चे के जो मम्मी पापा थे दे वर सो थैंकफुल टू मी, एंड मेरे को थैंकफुल होने की बजाय आई एम थैंकफुल टू देम कि दे फॉलोड माई एडवाइस एंड दे डिड वट एवर आई सजेस्टेड टू देम। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस तरह के अगर कोई बच्चे हैं तो आप उनके साथ थोड़ा सा सहानुभूति से पेश आएं। और अंत में मैं एक ये मैसेज आपको देना चाहूँगी कि जो भी बच्चे पैचिंग कर रहे हैं या फिर अपने आँख को ढक रहे हैं अपना विजन अच्छा करने के लिए, प्लीज़ बी काइंड टू दोज पीपल। आप खुद ही समझिए, अगर मैं किसी दिन अपनी आँख पर एक पट्टी लगा के आती हूँ तो मुझे खुद ही अजीब सा महसूस होगा, और अगर 10 लोग मुझसे पूछेंगे कि आपने ये पैचिंग क्यों करी है, पट्टी क्यों लगाई है, तो मुझे उसका आंसर देने में बहुत ही असहज महसूस होगा। इसलिए वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं पैचिंग करके, वो बच्चे जो कि खेलने के लिए मैदान में जाते हैं पैचिंग करके, 13 साल तक की टेंडर एज के बच्चे,
उनके लिए प्लीज बी काइंड, प्लीज शो सम पेशेंस टू दोज चिल्ड्रन एंड मोटिवेट देम, बिकॉज आपके दो शब्द उत्साह भरे उन बच्चों की जिंदगी को संवार सकता है, उन बच्चों की नज़र पूरी पूरी रिस्टोर हो सकती है और बहुत अच्छे तरीके से वो अपने फ्यूचर को संवार सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को स्प्रेड करने की कोशिश करिए, ताकि जो लोग इस बीमारी के बारे में नहीं जानते हैं और अपने विजन को पूरा पूरा नहीं बना पा रहे हैं, वो इस बीमारी के बारे में जानें और हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।